क्लास फोर सुप्रभात उड़ान हिंदी पाठमाला भाग चार। आज पढ़ेंगे चाचा शेर सिंह। प्यारे बच्चों, ये एक चित्रकथा है। चित्रकथा में चित्रों के माध्यम से उनके संवाद, उनके डायलॉग सुनाए जाते हैं। इसमें आज इस चित्रकथा में हमारे पास कौन कौन से चरित्र हैं? एक तो चीतू है, एक लोमड़ी है और एक शेर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चीतू और लोमड़ी के डायलॉग्स देखेंगे कि सबसे पहले चीतू कहता है, एक खुशखबरी है, लोमड़ी से कह रहा है, एक खुशखबरी है, आज मेरे चाचा शेर सिंह आ रहे हैं। लोमड़ी, क्या वह कुछ लाएंगे? चीतू, यह तो नहीं मालूम, लेकिन बहुत धैर्य वाले हैं, हम उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। यदि हम उनकी पिटाई करें तो? चीतू क्या कहता है, वह कुछ नहीं करेंगे, देखो वह आ रहे हैं। नमस्ते, नमस्ते चाचा जी, लोमड़ी ने शेर को नमस्ते किया। उसके बाद फिर, अच्छा चीतू, क्या हाल है? शेर ने चीतू का हालचाल पूछा। कुछ खास नहीं चाचा जी, मैं आपके धैर्य के बारे में बात कर रहा था। शेर, अच्छा अच्छा, लोमड़ी कोशिश करती है कि देखे, चीतू कह रहा था कि इनमें बहुत धैर्य है, तो लोमड़ी क्या कहती है, पहले मैं इनके कान ऐंठता हूँ, इनके कान ऐंठता हूँ। तो जब उसने कान ऐंठा तो क्या हुआ, शेर हंसने लगा, ही। तब चीतू बोला, मैंने कहा ना, वह बहुत धैर्यवान है। और फिर लोमड़ कह रहे, जी जरा मैं पूंछ खींचूं, वह काफ़ी नहीं है, मुझे कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जब पूंछ खींचता है तब भी लाइन क्या करता है, शेर करता है, ही। और जोर लगा के हाइशा। उसके बाद फिर वह कहते, ये काफ़ी नहीं है, मुझे कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। अच्छा, फिर क्या करती है, फिर ये कहती है लोमड़ी, मैं इस पत्थर से इसकी पूंछ कुचलता हूँ, मैं इसकी पत्थर से पूंछ कुचलता हूँ। तो चीतू बोलता है, यह भी आजमा कर देख लो। अब वह पत्थर से पूंछ कुचलने लगता है शेर की। और फिर भी शेर क्या करता है, ही। शेर नाराज़ नहीं होता। फिर चीतू कहता है, चाचा जी को भूख लग रही होगी, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी शेर को आए हुए। तो चीतू को लगा कि अभी उनके चाचा शेर को बहुत भूख लगी होगी, हाँ उन्हें खाने के लिए कुछ देना चाहिए, ऐसा लोमड़ ने बोला है ना। फिर वह खाने के वह फल चाचा जी को दे आओ, दे दो, उन्हें भूख लगी होगी। फिर वो फल लेकर जाता है, तो चाचा जी वहाँ आपके लिए कुछ फल हैं, खा लीजिए। ओह, ये क्या हुआ, शेर ने इसे पानी में गिरा दिया, और वो पानी में गिर के आवाज़ लगा रहा है, बचाओ बचाओ। जीतू, ओ मैं भूल गया। बाद में जब वो पानी में से बाहर निकल आता है तो वो बताता है, क्या बताता है चीतू, चीतू कहता है, मैं तुम्हें चाचा जी की एक बुरी आदत के बारे में बताना भूल गया, कोई भी उन्हें खाने को देता है तो वह उसे किक मार देते हैं। और फिर ये जो है लोमड़, ये कहता है, अरे बाप रे। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि देखिए, अगर किसी में धैर्य है तो उसकी इतनी बार परीक्षा ना लें कि वो परेशान होकर आपको दंड देने के लिए मजबूर हो जाए। ये लोमड़ कभी उनके कान खींच रहा था तब भी शेर हंस रहा था, कभी उनकी पूंछ खींचता था फिर उनकी पूंछ को पत्थर से कुचलता था। तो इससे शेर को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन फिर भी वो धैर्य रखे हुए था। और उन्होंने फिर अंत में क्या किया, अंत में शेर ने लोमड़ को सजा दे ही दी और पानी में गिरा दिया धक्का लगा कर। ऐसे हमें किसी दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ हम समाप्त हुआ, और अब इसके प्रश्न उत्तर हम आपको सेंड कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में।